आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर उठाया सवाल, बोले मुख्य खबरों से ध्यान हटाना इनका मकसद तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर कानून मंत्री ने लांघी लक्ष्मण रेखा, किरण रिजिजू के बयान पर बोले सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। अमेरिकी सीनेट में पास हुआ सेम सेक्स मैरिज बिल, जनवरी के पहले प्रेसिडेंट बाइडेन इसे कानून बनाएंगे। सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, इकाडोर को रोमांचक मुकाबले में हराया। वध का श्रद्धा केस से कोई रिलेशन नहीं, एक्टर संजय मिश्रा बोले फिल्म में मैंने हत्या नहीं की, बुराई का वध किया है। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 504 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम इसके साथ ही 2.60 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फैक्ट्री की सौगात भी देंगे। 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर के ग्वाल टोली में मंगलवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और साले समेत 9 लोगों ने मिलकर इरफान को कानपुर से दिल्ली और फिर मुंबई तक भागने में मदद की। इतना ही नहीं, इरफान का अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया, इसी नाम से फ्लाइट का टिकट बनवाकर दिल्ली से मुंबई पहुंचाया। पुलिस ने फरारी कटवाने में मदद करने वाले सपा नेत्री समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उन्हें इस बात का पूरा भान था कि जो व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है वह इरफान सोलंकी है, वे उसे जानते हैं और वह अशरफ के नाम पे ट्रेवल कर रहा है। यह जानते हुए भी कि एक कूटरचित डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया, जिनका नाम इस मुकदमे के एफआईआर में एफआईआर कर्ता ने दिया है। एफआईआर जाजमऊ मुकदमे के मुख्य विवेचक के द्वारा दाखिल की गई है। चूंकि यह पुलिस अधिकारी के नाते हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे सामने कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध कारित होता हुआ हमें दिखाई देता है तो यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इरफान सोलंकी पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, वहीं इरफान सोलंकी भागने में भी सफल हो गया है, अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन दोनों जनपदों में झोपड़ी में आग लगाई थी, जिसके मामले में इरफान सोलंकी को मुकदमा दर्ज किया गया था। इरफान सोलंकी उसके भाई रिजवान सोलंकी पे, और रिजवान सोलंकी लगातार फरार चल रहे हैं और इरफान सोलंकी फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं और इरफान सोलंकी जो है कि दिल्ली से मुंबई वाया इंडिगो एयर फ्लाइट से गए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी है उन्होंने गलत दस्तावेज का प्रयोग किया है, क्योंकि जो आधार कार्ड था, आधार कार्ड में अशरफ अली का नाम पड़ा हुआ था और फोटो इरफान सोलंकी की लगी हुई थी। हालांकि जिसके चलते पुलिस ने ग्वालटोली थाना में एक मुकदमा दर्ज किया है धोखाधड़ी का, 412, 419, 420, 367, 368 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से सेक्शन 82, 83 के तहत भी
मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसमें कुर्की की कार्रवाई होती है। इसके अलावा बताता चलूं कि जिस हिसाब से पुलिस इस टाइम सक्रिय हो गई है, हालांकि ये भी बता दूं कि 1 दिसंबर को इरफान सोलंकी की जमानत की याचिका लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इरफान सोलंकी को के जो वकील थे उनको इसी से बोला था कि जो भी सबूत हैं वो 1 तारीख को कानपुर कोर्ट में सबूत पेश करें, और इसके अलावा सरकारी वकील से भी कहा गया था कि जो भी सबूत हैं 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश करें ताकि इसके आगे कार्रवाई की जाए। जी अनिल, सपा नेत्री समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? जी बता दूं कि सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष है नूरी, और उसके अलावा 4 लोग नूरी का ड्राइवर है, और इसके अलावा बता दूं कि जो वर्तमान में जितने भी लोगों ने इरफान सोलंकी को कानपुर से भगाने में मदद की थी सभी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और इन 4 लोग के अलावा 8 लोग के नाम और भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा जब इरफान सोलंकी पे मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी तो इरफान सोलंकी पे जितने भी लोग जिन जमीनों पे इरफान सोलंकी ने कब्जा कर रखा था सभी की जमीनों पर जितने भी परेशान लोग थे इरफान सोलंकी से सभी ने पुलिस में अब तक लगभग 9 एप्लीकेशन दिए हैं जिस पे पुलिस सभी पे विवेचना कर रही है, विवेचना के बाद जो भी कार्रवाई होगी पुलिस इन पे करेगी। जी अनिल, पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है इरफान सोलंकी, तो अभी कितने एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है आगे? जी मैं बता दूं कि लगभग 7 प्रदेशों की पुलिस से कानपुर पुलिस ने संपर्क साधा है, क्योंकि जहां जहां इरफान सोलंकी की जानकारी मिली थी पुलिस वहां वहां पे दबिश डाल रही थी। हालांकि अभी तक इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान सोलंकी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से इस टाइम इस चीज को लेकर सक्रिय है कि इरफान सोलंकी और उसके भाई को गिरफ्तार करना है। हालांकि जो लास्ट पुलिस को सबूत मिले हैं पिछले 26 तारीख को जो फुटेज विजुअल आए हैं जिसमें लगभग 11 नवम्बर को इरफान सोलंकी मुंबई में देखा गया था, इसके बाद इरफान सोलंकी को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से भी कुछ मदद मांगी है, इसके अलावा सारे मुंबई पुलिस से और राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस से सभी से मदद मांगी है, और वर्तमान में जो है पुलिस को इसको पकड़ने के लिए सेक्शन 82 सेक्शन 83 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट से कुर्की के आदेश के लिए कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि कुर्की के आदेश की एप्लीकेशन मिल गई है, और एक नियम होता है कि कुर्की 82-83 के तहत यदि 1 महीने तक जो भी अभियुक्त होता है अगर आत्मसमर्पण या पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उसके बाद उसके घर की कुर्की करने की कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस सक्रिय दिख रही है और कानपुर पुलिस विशेषता इसमें सक्रिय दिख रही है। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। खबर गोंडा से है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूजा पाठ व मंत्रों उच्चारण के साथ साइकिल साहसिक यात्रा निकाली जिसमें लगभग 350 लोगों ने भाग लिया। रैली मुजेहना ब्लॉक से लेकर महनौन परमेश्वरी माता के स्थान पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित रहे। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आजम खान ने अपने कार्यकाल के बारे में बातचीत की और कहा कि 4 सरकारों में जनता के बीच खड़ा रहा हूं, इसीलिए रामपुर की जनता आजम खान को चाहती है और हर बार चुनाव में रामपुर की जनता आजम खान को चुनती है। मैं जनता का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। उससे गलती हुई है, मैं मुस्लिम हूं, उससे गलती हुई। कुशीनगर में साइकिल यात्री संजय खाड़े गुजरात के कोटेश्वर में साइकिल यात्रा करते हुए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कोटेश्वर से साइकिल यात्रा शुरू कर अरुणाचल प्रदेश के कीवी ठू तक की कुल
3832 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। वहीं देर शाम कुशीनगर पहुंचने पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने इन्हें सम्मानित किया। मेरी यात्रा कोटेश्वर से शुरू हुई और मैं जाऊंगा अरुणाचल में किबूतु तक। अच्छा, कितने किलोमीटर की यात्रा आप पूरी करेंगे? लगभग 3835 किलोमीटर की है यात्रा। अच्छा। शुरू होती है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज कोटेश्वर टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज अरुणाचल किबूतु। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम संजय खाड़े है, मैं खारगर का रहने वाला हूँ और मैं रोटरी क्लब ऑफ पनवेल महानगर को बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र में ज्योति हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। तबीयत खराब होने की परेशानी महसूस की तो मेरे भाई ने बगल में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ले जाकर उसे चेकअप कराया तो उन्होंने गंभीर बीमारी बताकर उसको एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने चेकअप करके उसको ब्लड और ह्यूमो प्लेटलेट चढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद उसकी स्थिति गिरती हुई चली गई। जैसे ही उसकी स्थिति को उन्होंने गिरते देखा तो उसको 21 तारीख को रात्रि 10:20 पर डिस्चार्ज कर दिया। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में बीते दिन एक बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया, जहां मुरादनगर की आई आयुध निर्माण फैक्ट्री के बाहर से व्यापारी के 11 साल के बेटे का अपहरण किया गया था। जानकारी के मुताबिक बच्चा साइकिल से रेलवे रोड पर सब्जी लेने गया, तभी कार सवार बदमाशों ने उसकी साइकिल रोक ली और साइकिल समेत उसे कार में खींच लिया, लेकिन बच्चे की हिम्मत के आगे बदमाश टिक नहीं पाए। बच्चे ने एक बदमाश के हाथ पर दांत काट कर भाग निकला, अपने घर पैदल बिना कपड़ों के दौड़ कर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचे, कई बार कहने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और काफी देर बाद शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हम रेलवे रोड से सब्जी लेकर आ रहे थे तो रॉन्ग साइड से एक वैन में आए थे, वे कहने लगे रुक रुक रुक, इसलिए मैंने डर के मारे उन्होंने फैक्ट्री की तरफ को साइकिल मोड़ दी थी और ऊपर को जाने लगा था, तो ऊपर जाने जाने पे स्पीड कम हो जाती है ना, तो उन्होंने गाड़ी हटा के मेरी साइकिल अंदर और मेरे को अंदर बिठा लिया और पुल पे से घुमा के वहाँ पे खड़ा गाड़ी खड़ी करके मेरे को कपड़े उतार के साइकिल बाहर निकाल के और कपड़े बाहर फेंकने लगे। उनके हाथ में चक्कू था और एक कंच का पीस था। ये मेरा बेटा है, सब्जी लेने आया था रेलवे रोड पे आर और आठी साइकिल से। जब ये घर की तरफ जा रहा था तो इसे चार गाड़ी में चार व्यक्ति थे अज्ञात, जिन्होंने इसे अगवा करा साइकिल समेत और पूरे ओनर्स फैक्ट्री का चक्कर काट के देते के नीचे उन्होंने गाड़ी पुल के नीचे गाड़ी लगाई, इसके कपड़े वपड़े उतारे, इसकी साइकिल फेंक दी, जैसे तैसे अपनी जान बचा के हाथ वाथ में काट गए, नंगे शरीर यहाँ से दौड़ा दौड़ा अपने घर गया जान बचा के अपनी। 26 नवंबर को थाना मुरादनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके तहत एक 11 साल के बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही थाने पे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस अभी इसी कार्रवाई में जुटी हुई है कि हर एक पहलू से उसकी जांच करके शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में सिद्धपुरा कस्बा सिद्धपुरा के ब्रिज फार्म हाउस एटा रोड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 34 जोड़ों का सामूहिक रूप से विवाह कराया गया। बता दें, आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी 34 जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान विधायक हरिओम वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता अध्यक्ष गंगा सागर, सेवा समिति श्याम सुंदर गुप्ता, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष रवीश गुप्ता, मिक्की समेत कई लोग मौजूद रहे।
रायबरेली डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गजराज के पुरवा गांव में विद्युत विभाग के पावर हाउस में तैनात संविदा कर्मी की लापरवाही से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संविदा पर तैनात लाइनमैन बिजली की फॉल्ट सही करने के लिए 11,000 लाइन के खंबे में चढ़ा था। पावर हाउस में तैनात बिजली कर्मचारी से बात की और फीडर की लाइट काटने के लिए कहा। डी पावर हाउस में तैनात कर्मचारी ने कहा कि लाइन कट गई है, लेकिन बिजली की लाइन नहीं कटी थी। उसे बिजली का करंट लगने से नीचे गिर गया। संविदा कर्मी लाइनमैन के नीचे गिरते ही हड़कंप मच गया। घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। वहीं युवक की हालत गंभीर होने के कारण लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये राणा प्रताप नाम के मरीज थे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था। यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया, स्थिति गंभीर को देखते हुए उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, परंतु रास्ते में ही इनका देहांत हो गया, जिसके उपरांत यहाँ पे उनको मर्सरी में उनकी बॉडी को रखा। बुलंदशहर में खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराव गांव में संविदा सफाई कर्मी को कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी के भाई की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार संविदा कर्मचारी को मान रहा था। उसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने रामपाल पर गोलियों की बौछार कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में डलमऊ ब्लॉक के पूरे बदई में कटगर मार्ग में गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सरकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना पर जिम्मेदार पानी फेर रहे हैं। सड़कों को कागजों पर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मोटी रकम बैठने का भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि सड़क की गुणवत्ता पूर्वक जांच कर कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जनपद है, शहरी क्षेत्रों को छोड़ के यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं पर भी गड्ढा मुक्त अभियान दिखाई नहीं पड़ रहा है। रोड पर गड्ढे या फिर गड्ढों पर रोड, ये तक समझ में नहीं आता। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि एक निचली स्तर की, एक ऊँची स्तर की जाँच कराई जाए और उस पर देखा जाए कि कितना गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ या फिर नहीं। तो क्या प्रतीत हो रहा है, कल लास्ट डेट है, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। राय में यदि रायबरेली में उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं रायबरेली की यदि बात करूंगा तो रायबरेली में ऐसे रायबरेली जनपद के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी रोडें हैं जो बेदहाल हैं। यदि मैं बात करूं तो लालगंज से भोजपुर को जाने वाला मार्ग जो पूरी तरह से सरेनी के आगे से जो बेदहाल पड़ा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, उसी से नेता विधायक प्रतिनिधि और आम जनता भी निकलती है। योगी सरकार ने 30 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देने का आदेश दिया है। कल जो है शासन को रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, तो क्या ये दावा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठा छला हुआ है। यह डेली 10-20 लोग एक्सीडेंट होते हैं, 2-4 लोग स्पेयर होते हैं, 2-4 लोग एक्सीडेंट होता है, जो हाथ पैर सपाहिज हो जाते हैं। सरकार के दावे फेल होते हैं, तो क्या ये सरकार के दावे फेल है? बिल्कुल फेल है। तो 30 नवंबर कल है, तो क्या योगी सरकार के दावे पूरे सफल हुए? नहीं सफल हुए। अच्छा, रोड खराब, इसमें दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है उसमें। योगी सरकार को कल रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है। योगी सरकार लगा रहे, लेकिन यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ के प्राय जो मेट है, वो सब ठेकेदार है, वो सब ताले हराम खो रहे थे, उसमें सब डाले डामर डाले, उसमें गिट्टी डाले, कोई उसमें कार्रवाई वो भी नहीं हुआ। देखो देख, जैसे जैसे गड्ढा खुले उसमें डामर डाले, सब पूरी जो डामर छूट निकल रहा है उसमें। ये बधाई के पूर्वा से, बधाई के पूर्वा से नरपतगंज जाने वाला ये जो मार्ग है, ये पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, इसमें काफी गड्ढे हैं।
आजमगढ़ राजघाट में श्री राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के साथ बार बालाएं अश्लील नृत्य करती दिखी, जिसके बाद आयोजकों पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की अश्लीलता अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।